हेलो एंड वेलकम टू गिरिराज हिमाचल गिरिराज हिमाचल चैनल पर आपका स्वागत है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एच पी द्वारा कंडक्टेड नायाब तहसीलदार का पेपर जो कि 2018 में कंडक्ट किया गया था भाई, तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन इन द सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वन बाई थ्री सीट फॉर वीमेन आर रिजर्व इन पंचायत अंडर विच आर्टिकल तो महिलाओं के लिए एक बड़ा तीन सीट पंचायतों में रिजर्व की गई अंडर आर्टिकल टू फोर्टी थ्री डी तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर प्रेजिडेंट ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर तो प्रेजिडेंट को सभी एग्जीक्यूटिव पावर दी गई है अंडर आर्टिकल फिफ्टी थ्री तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर हु गिव्स फाइनल वर्डिक्ट ऑन मनी बिल मनी बिल पर फाइनल वर्डिक्ट कौन देता है स्पीकर ऑफ लोकसभा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है एक तो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट में होती है उसके भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं यानी कि विधानसभा के सदस्य और संसद के दोनों सदनों के सदस्य

अंडर आर्टिकल 32 तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर्टिकल 32 के तहत पांच तरह की रिट जारी कर सकता है बीस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा आर्टिकल 32 जिसको कि संविधान की आत्मा कहा गया था बाय बी आर अम्बेडकर ये क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमिडी ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन आर्टिकल वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स भारत राज्यों का एक संघ होगा यह हमें आर्टिकल वन बताता है ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज बिन बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री तो डी पी एस पी राज्य नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत कहाँ से बोरो किए गए हैं आयरलैंड के संविधान से बी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर टेन वट वाज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा ऑन थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड सेवेंटीन तो उस समय लोकसभा की स्ट्रेंथ थी पाँच सौ अड़तीस इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अब नहीं रहा क्वेश्चन नंबर एट विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द राइट टू फॉर्म मे पोलिटिकल पार्टी तो कौन सा आर्टिकल आर्टिकल जो नाइन है इसका जो सेक्शन टू है वो हमें बताता है कि हम कोई पोलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकते हैं तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट है द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वाज पास्ड इन द टाइम ऑफ लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय में पहला फैक्ट्री एक्ट पास किया गया था अठारह में सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व फॉलोइ डॉट रिप्रेजेंट द नेशनलिस्ट क्रिटिक ऑफ कोलोनियन इकोनॉमी तो कोलोनियल इकोनॉमिक नेशनलिस्ट क्रिटिक कौन नहीं थे सचिनानंद सिन्हा डी क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन वॉज द फर्स्ट वॉकआउट ऑर्गेनाइज इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग द कोलोनियल पीरियड तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उन्नीस सौ एक में पहला वॉकआउट किया गया था इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रिजाइडेड ओवर द कांग्रेस सेशन इन 1905 जीरो में कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता किसने की जिसमें स्वदेशी और बाइकउट मूवमेंट फॉर बंगाल को सपोर्ट किया गया तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा जी के गोखले गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा करजन वाइली किल्ड इन लंदन जन वायली को मारा गया था लंदन में किसके द्वारा मदन लाल के द्वारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द द नेम गिवन टू ऑफ गदर गदर पार्टी इन यूएसए तो के हेडक्वार्टर को कहा जाता था युगांतर आश्रम बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर सेवनटीन ऑफ द फॉलोइंग हु वाज नॉट द मेंबर ऑफ फोर्टी गवर्नमेंट इन 1946 तो 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था उसका सदस्य कौन नहीं था बी आर अम्बेडकर उस सरकार का हिस्सा नहीं थे डी इस क्वेश्चन का राइट

के साथ सही सुमिलित नहीं है ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बाकी जो बीजी तिलक है इनका समाचार पत्र का नाम क्या था केसरी शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका बिल्कुल ठीक है जीके गोखले सुधारक बिल्कुल ठीक है देवबंद का शिक्षा कार्यक्रम घटाकर कितना कर दिया गया है आठ वर्ष कर दिया गया है सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कला से अभनिंदर टैगोर ने प्रेरणा नहीं ली तो इन्होंने प्रेरणा नहीं ली न्यूजीलैंड से न्यूजीलैंड की कला से तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन था ए कनिंगम एस आई के पहले डायरेक्टर जनरल थे ठीक है ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ओपन ए को एजुकेशनल स्कूल इन मोगा पंजाब इन इन 1899 फॉर इंप्रूविंग द पोजीशन ऑफ वुमेन तो समाज में महिलाओं के उत्थान के लिए मोगा में एक को एजुकेशनल स्कूल खोला गया 1899 में तो किसने खोला था द देव समाज देव समाज ने खोला था डी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म वॉज नॉट एसेंशियल बाई गांधी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी तो समाज के परिवर्तन के लिए गांधी जी ने किस सोशल रिफॉर्म को असेंशियल नहीं माना था तो वो था अबोल्यूशन ऑफ वर्ण सिस्टम बी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा इसको गांधी जी ने अनिवार्य नहीं माना था फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट बुक रिटन बाय महात्मा गांधी जी वाज तो वो थी हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखित पहली पुस्तक कौन सी थी हिंद स्वराज नेक्स्ट क्वेश्चन है द डांडी मार्च वाज स्टार्टेड बाय गांधी गांधी जी ने डांडी मार्च कब शुरू किया था मार्च 12 1930 में 12 मार्च 1930 में डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में गांधी ने सरकार के विरुद्ध अपने सत्याग्रह के विचार को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया था सत्याग्रह के के विचार को गांधी जी ने पहली बार कलकत्ता के अधिवेशन अधिवेशन में में प्रस्तुत किया था 1920 में अधिवेशन हुआ था 1920 यह हुआ सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर थर्टी गांधी के न्यासिता ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की कौन सी विशेषता नहीं है तो गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की विशेषता कौन सी नहीं है कि सरकार को व्यक्तियों के जीवन का स्वामी बनाना तो यह गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की विशेषता नहीं है डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। गांधी को कब यह अनुभूति हुई कि उनका भारत में संघर्ष बहादुर की अहिंसा पर आधारित नहीं था तो 1942 में गांधी जी को यह पहली बार अनुभूति हुई कि उनका जो भारत में संघर्ष है वो बहादुर की अहिंसा पर आधारित नहीं है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी दर निर्धारित नहीं की जाती है तो पी एल आर दर रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है बाकी जो बैंक दर है एस एल आर है सी आर आर है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निर्धारित करता है कमेंट बॉक्स में बताइए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू हु इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे वर्गीस कुरियन डी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव हु रिकमेंड्स द एम एस पी एंड ईशू प्राइज एम एस पी और इशू प्राइस को रिकमेंड कौन करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिस बी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन डिड द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम फॉर फार्मर स्टार्टेड इन इंडिया किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इंडिया में कब शुरू की गई उन्नीस सौ अट्ठानवे निन्यानवे में बी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा इंडिया की जो इकोनॉमी है वो किस तरह की है मिक्सड इकोनॉमी है मिश्रित अर्थव्यवस्था है सी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू फोर्स द इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट सी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा वेन हैज द पॉपुलेशन पॉलिसी बीन इम्प्लीमेंटेड भारत में जनसंख्या नीति कब लागू की गई पंद्रह फरवरी सन दो हजार को ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी एट वट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया सार्वजनिक वितरण प्रणाली का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि मार्केट प्राइस को कंट्रोल करना ठीक है ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा वन हॉर्स पावर ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू तो एक अश्व शक्ति सात सौ छियालीस वाट के बराबर होती है ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन इज फोकस्ड ऑन कह रहा है दूसरी जो हरित क्रांति है दूसरी हरित क्रांति का फोकस किस पे रहेगा एग्रीकल्चर स्टेबिलिटी के ऊपर ये इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा नेक्स्ट है वैन ए बार मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली विद ए थ्रेड इट विल ऑलवेज रेस्ट अलोंग जब किसी बार मैग्नेट को सस्पेंड किया जाता है लटकाया जाता है फ्रीली विद ए थ्रेड तो वह हमेशा रेस्ट करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में तो बीस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी तो छुपी हुई बेरोजगारी किस में होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में होती है ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा नेक्स्ट है द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का मेन घटक क्या है मिथेन है ठीक है बी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्ट साइटेडनेस मायोपिया डिफेक्ट इन ह्यूमन आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग निकट दृष्टि दोष को ठीक कर सकते हैं हम किसके द्वारा कॉन्केव अवतल लेंस के द्वारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटोमिक नंबर बट हैविंग द सेम मास नंबर आर नोन एज जिनका एटोमिक नंबर डिफरेंट हो ठीक है और मास नंबर सेम हो ऐसे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट उनको हम क्या कहेंगे आईसो बार डी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोरिंग ऑफ मिल्क मिल्क के खट्टेपन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है लैक्टिक एसिड बी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट जो पृथ्वी का जो धरातल है उस पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाली मेटल कौन सी है एल्युमिनियम पृथ्वी के धरातल पर हल्की धातुएं पाई जाती हैं बी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा विच ऑफ पोल्यूटेंट इज मेजर काज ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज इनमें से कौन सा प्रदूषक सांस की बीमारी का मेजर कॉज है तो सांस की बीमारी होती है सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल की वजह से सी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल सेल के न्यूक्लियस की खोज किसने की थी कोशिका के नाभिक की खोज किसने की थी रोबर्ट ब्राउन के द्वारा और कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी रोबर्ट हुक के द्वारा रोबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी सेल के न्यूक्लियस की त्रिशूल पीक लाइज इन द स्टेट ऑफ त्रिशूल पीक कौन से राज्य में है उत्तराखंड राज्य में है सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा

उनकी रिफ्लेक्शन को डिटेक्ट करते हैं तो वो वेव्स होती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स ठीक है जो बैट्स हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव को एमिट करते हैं और फिर रिफ्लेक्शंस आती है उनको भी डिटेक्ट करते हैं तो उससे उनको अपने जो शिकार है उसको ढूंढने में आसानी रहती है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री रामसर कन्वेंशन हेल्ड इन रामसन जो कन्वेंशन थी वो कहाँ हुई थी ईरान में रामसर नामक रामसर नामक एक, एक जगह है वहां पर रामसर कन्वेंशन हुई थी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है करेवा सोइल इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ करेवा जो मिट्टी है वो पाई जाती है जम्मू कश्मीर में सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स द अंडेमान फ्रॉम निकोबार आइलैंड तो अंडेमान और निकोबार आइलैंड को कौन सेपरेट करता है दस डिग्री चैनल सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्री पर्णपाती वृक्ष कौन सा नहीं है प्लास का वृक्ष सी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी इनमें से कौन सी है लोहित नदी है बी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच इनमें से कौन सही से मैच नहीं है एक तरफ इन्होंने डैम दिए हैं दूसरी तरफ इन्होंने रिवर दी है दुलहस्ती डैम कहां बना है चेनाब रिवर पर पचेत डैम कहा बना है दामोदर पर टिहरी डैम भागीरथी पर रिहन डैम कहा बना है रिहन रिवर पर तो बीस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर कहां पर है बैंकॉक में है ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 61 विच राजा ऑफ नूरपुर प्रिंसली स्टेट बिल्ड द तारागढ़ फोर्ट तारागढ़ फोर्ट का निर्माण किसने किया था इन द टेरिटरी ऑफ चंबा प्रिंसली स्टेट अराउंड 1625 टू 30 एडी तारागढ़ फोर्ट का निर्माण किया गया था बाय राजा जगत सिंह बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच ऑफ इंडिया कोस्ट लाइन इज to टू डिजास्टर तो आपदा से प्रभावित इंडिया की तटरेखा उसकी लंबाई कितनी है सत्तावन सौ किलोमीटर है डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज द नेम ऑफ योगी हु गाइडेड राजा साहिल वर्मन ऑफ चंबा प्रिंसली स्टेट रिगार्डिंग द साइट ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ स्टेट तो देखिए चंबा के राजा साहिल वर्मन को किसने गाइड किया था अपनी कैपिटल को शिफ्ट करने के लिए तो उन योगी का नाम था चरपटनाथ सी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मुगल एम्पर गोट ए मॉस्क बिल्ड इन साइड द कांगड़ा फोर्ट कांगड़ा फोर्ट के अंदर मस्जिद का निर्माण किस मुगल एम्पर ने करवाया था जहांगीर ने करवाया था सी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है अराउंड विच सेंचुरी वाज ए ट्रीटी साइन बिटवीन राजा केहरी सिंह ऑफ बुशहर एंड तिब्बत राजा केहरी सिंह और तिब्बत के बीच में किस सेंचुरी में ट्रीटी साइन हुई थी सत्रहवीं सेंचुरी में सी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप के किस यात्री ने सत्रह ईस्वी के आसपास नाहन से नूरपुर होते हुए जम्मू की यात्रा की देखिए यूरोप के फोरेस्टर ने नाहन से नूरपुर होते हुए जम्मू की यात्रा की कब की सत्रह ईस्वी में बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्नीसवीं सदी की पहली चौथाई के दौरान गोरखों और अंग्रेजों के मध्य किस स्थान पर निर्णायक युद्ध हुआ तो जातक हिल्स में अंग्रेजों और गोरखों के मध्य युद्ध हुआ ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव सौ पचास से नौ सौ ईस्वी के आसपास सुकेत रियासत ने कुल्लू के किस राजा को बंदी बनाया तो कुल्लू के राजा भूपाल को बंदी बनाया गया सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट रियासत के शासक वंश की स्थापना किसने की वेरी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन देखिए कहीं पर इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा अजय चंद कहीं मिलेगा अजीत चंद कहीं मिलेगा सुजीत चंद ठीक है ऑप्शन में दिया गया है बीरचंद इन्होंने की थी कहलूर राज्य की स्थापना ठीक है तो ए इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता है हाँ बीरचंद के बाद जो ग्यारहवीं इनकी पीढ़ी आई ठीक है वीरचंद के बाद जो ग्यारहवीं पीढ़ी आई उसमें एक राजा हुए उनका नाम था काहल ठीक है काहलचंद ने हिंडूर रियासत को जीत लिया लेकिन इन्होंने हिंडूर रियासत पे अपना शासन नहीं चलाया इन्होंने हिंडूर की जो राजगद्दी है वो अपने दूसरे पुत्र को दे दी दूसरे पुत्र का नाम किसी बुक में अजीत चंद लिखा है किसी बुक में सुजीत चंद लिखा है किसी बुक में अजय चंद लिखा है ठीक है तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा हिंदू रियासत के शासक वंश की स्थापना किसने की अजीत चंद ने की नेक्स्ट क्वेश्चन है किन दो ठकुराइयों को अठारह ईस्वी में जुब्बल रियासत के अधीन कर दिया गया तो रविगढ़ और ढाडी इन दो रियासतों को अठारह में जुब्बल रियासत के अधीन कर दिया गया था नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना कब हुई थी नरेंद्र मंडल की स्थापना कब हुई थी 1921 ईस्वी में सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अठारह के सैन्य विद्रोह के दौरान बुशहर रियासत के किस राजा ने अंग्रेजों के साथ प्रतिकूल व्यवहार किया अंग्रेजों के साथ शमशेर सिंह ने प्रतिकूल व्यवहार किया ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 73 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जातियों की आबादी का प्रतिशत सबसे कम था तो एस का प्रतिशत सबसे कम था लाहौल स्पीति में सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन निम्नलिखित में से किसे लाहौर षड्यंत्र केस में मृत्युदंड दिया गया जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया लाहौर षडयंत्र केस में मंडी के भाई हृदाराम को मृत्युदंड दिया गया था जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर कौन सा पर्वतीय दर्रा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है प्रांगला दर्रा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, है डोड्रा कवार और सांगला किन्नौर के बीच कौन सी झील स्थित है डोडरा कवार और सांगला किन्नौर के बीच ब्राडोनसर ब्राडोंसर झील स्थित है डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा शिकारी देवी वन्य प्राणी शरण स्थल हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के किस कस्बे के पास है शिकारी देवी सुंदरनगर में है डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं सहायक जलधाराओं के नाम भी दिए गए हैं तो बेमेल को पहचानिए जमुना की जो सहायक नदी है वो है जलाल ठीक है ब्यास की स्पिन चिनाव की मियार ये ठीक है तो सतलुज की जो सहायक जलधारा है वो आंध्रा बिल्कुल नहीं है बीस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ये बेमेल है फ्लैच त्यौहार हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है फ्लैच त्यौहार हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से जुड़ा हुआ है बीस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 77 है पबर नदी का पोषक कौन सा हिमनद है, है? चंद्रना चंबा का मिंजर मेला, किस दिन होता है? सावन के दूसरे रविवार को चंबा का मिंजर मेला शुरू होता है बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर एटी वन निम्नलिखित में से कौन चित्रकला कलम केशव दास की रसिक प्रिया नायक नायिका प्रसंग के बारे में है तो अर्की की चित्रकला अर्की की जो चित्रकला है वो केशव दास की रसिक प्रिया नायक नायिका प्रसंग के बारे में है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में किस स्थान पर भेड़ प्रजनन फार्म है तो चंबा जिले के सरोल नामक स्थान पर भेड़ प्रजनन फार्म है बीस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर एटी टू निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पगोड़ा शैली में बना है हिडिम्बा देवी जो कि मनाली में स्थित है इसकी शैली क्या है पगोड़ा शैली क्वेश्चन नंबर right सेवाएं पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अधीन शामिल कर दी गई हैं तो एक सौ सत्तासी सेवाएं ठीक है पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अधीन शामिल कर दी गई हैं डी क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा एटी सिक्स है शिमला शहर की बोटनी जो बिल्डिंग है जिसे ग्रीष्मकालीन महल के रूप में प्रयोग किया जाता था किस रियासत की थी तो सिरमौर रियासत के जो राजा थे उनकी जो ग्रीष्मकालीन महल था उनका जो समर पैलेस था उसी को एज ए बोटनी बिल्डिंग यूज किया जाता है जो कि शिमला शहर में स्थित है क्वेश्चन नंबर एटी सेवन जुलाई उन्नीस ईस्वी में किसने श्री धामी प्रेम प्रचारणी सभा की स्थापना की पंडित सीताराम जी ने श्री धामी प्रेम प्रचारणी सभा की स्थापना की कब की जुलाई 1939 में बेटी है अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश में कब लागू की गई जुलाई 2010 में बेटी है अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश में लागू की गई बीस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 88 हिमाचल प्रदेश में सीमांत जोतों का प्रतिशत लगभग कितना है सिक्सटी नाइन पॉइंट सेवन परसेंट सीमांत जोते हिमाचल प्रदेश में है क्वेश्चन नंबर किस भारतीय राष्ट्रपति ने दर्बुलेंट इन सिक्स पुस्तक लिखी है श्री मुखर्जी ने right पांच मेगावाट की बैराडोल सौर परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रस्तावित है बिलासपुर में प्रस्तावित है पांच मेगावाट की बेराडोल सोर परियोजना डी क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइनटी टू 6 अप्रैल 1980 में स्थापना के समय भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी उस समय जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ठीक है फ्रेंड्स इसके बाद इसमें 2017 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो अब हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट रहे नहीं ठीक है सो so फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए देखते रहिए गिरिराज हिमाचल जय हिंद जय भारत